जो संगति कर रहे हैं छोटे भैया, ये ग्राम कुशमरा के निवासी हैं। चिमटा पर जो संगति कर रहे थे जनवेद भैया, ये ग्राम टकरा चौपला के निवासी हैं। और सुबह की कथा आपको श्रवण करा रहे थे सुभा आचार्य जी, ये इटावा के निवासी हैं। और सभी भक्तों से आप लोग ये अपने गांव के कार्यक्रम होम स्टूडियो पर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो उस पर आपको ये कार्यक्रम मिलेंगे। और असित स्टूडियो की तरफ से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। हम है उनकी छोटी बिटिया, एक ही मेरी भैया। साउंड वाले भैया स्टार साउंड कमालगंज से, इन्होंने भी हमारा साथ में बहुत बड़ा सहयोग किया। और नंगला लहुआ भी जनता से एवं समस्त क्षेत्रवासियों से हमें बहुत बड़ा स्नेह और प्रेम मिला है। सदा सदा आप लोगों की आभारी रहूंगी, कभी इस मान सम्मान को बुला नहीं पाऊंगी श्रोताओं, क्योंकि ऐसे श्रोता हर जगह नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। और परम सम्मान्य हमारे ब्रजेश सिंह यादव जी की तरफ से हमारा आना हुआ, भैया चितेंद्र की तरफ से आप लोगों के समक्ष में हमारा आना हुआ है। तो इन भाइयों की तरफ से भी हमें बहुत बहुत स्नेह प्रेम मिला। 7 दिन को कथा को बीच में, लेकिन ये नहीं समझा मैं अपने घर हुआ दूसरे के घर। बहुत बड़ा स्नेह प्यार मुझे मिला है।
कामना करूंगी भगवान माता रानी भागवत महापुराण से भाई हो गया धन के भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, हमेशा हमेशा दीक्षा प्रतीक्षा में आगे चलते रहे। भाइयों की तरफ से हमारा आप लोगों तक आना हुआ है, संतों से कोई